Hello everyone, I hope you people are doing great. आपने सेक्शन 32 कंप्लीट कर लिया है, राइट? अब आपको थोड़ी सी तसल्ली हो रही होगी, खुशी हो रही होगी कि यस यू हैव डन विद डेप्रिसिएशन. आज की क्लास में आप देखेंगे सेक्शन 38. अब ये है क्या? सेक्शन 30, 31, 32, इनमें आपने देखा कि कुछ खर्चे हैं बिजनेस के जो आपको अलाउ किए जाते हैं, लेकिन अगर आपने वो पर्टिकुलर एसेट जिसके रिस्पेक्ट में आपको खर्चा अलाउ किया जा रहा है अंडर सेक्शन 30, 31, 32, उसका पार्शियल यूज बिजनेस में लेते हो और पार्शियल पर्सनल यूज लेते हो, तो क्या सारा खर्चा बिजनेस में अलाउ होगा? आंसर इज नो. जैसे मान लीजिए आपके पास एक मशीनरी है, ठीक है, उस मशीन का आप बिजनेस यूज भी ले रहे हो, पर्सनल यूज भी ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पूरा डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता उस मशीन का बिजनेस में. रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जितना खर्चा आएगा वो पूरा बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने पार्शियल यूज बिजनेस में किया है और पार्शियल यूज पर्सनल किया है. तो ऑब्वियसली जितना परसेंटेज आप बिजनेस यूज कर रहे हो, बस खर्चे का भी उतना परसेंटेज ही आपको बिजनेस में अलाउ होगा, राइट? तो यहां पर आप क्या देखने वाले हो? एसेट बींग यूज पार्शियली फॉर बिजनेस एंड पार्शियली फॉर पर्सनल. और दूसरा केस एक ये भी हो सकता है कि द एसेट इज बीइंग पार्शियली यूज फॉर बिजनेस विच इज टैक्सेबल एंड पार्शियली यूज फॉर बिजनेस विच इज नॉट टैक्सेबल. यू वेरी वेल नो दैट कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है. एग्रीकल्चर भी क्या है? एक बिजनेस ही है, राइट? आपने एक एसेट का पार्शियली ऐसे बिजनेस में यूज किया है जो कि टैक्सेबल है, और पार्शियली ऐसे बिजनेस में यूज किया है यानी एग्रीकल्चर में यूज किया है जो कि एग्जेम्प्ट है. तो क्या होगा ऐसे केस में? डेप्रिसिएशन, रिपेयर वगैरह का खर्चा क्या हम सारा का सारा उस बिजनेस में चार्ज कर सकते हैं जिस बिजनेस की इनकम टैक्सेबल है? तो बिल्कुल आपको भी लग रहा होगा ऐसा कैसे होगा, सरकार ऐसा कैसे करने देगी आपको, कहेगी कि भाई आप उस एसेट का दो जगह प्रयोग कर रहे हो तो हम एक जगह से पूरा खर्चा क्यों चार्ज करने दें आपको? तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट सेक्शन 38 हैज टू से विथ रिस्पेक्ट टू दिस. Assets partly used for business purpose, section 38. Expenses under section 30-32, मतलब section 30, 31, 32 में, जो कि repair, insurance, taxes, depreciation, ये सब खर्चे हैं. On asset being building, plant and machinery and furniture, used partly for business purpose and partly for other purpose. अब ये other purpose में भी यहाँ पे दो बातें बताएगा. Other में एक तो बताएगा कि अगर मान लीजिए personal है तब क्या होगा, दूसरा बताएगा कि बिजनेस है लेकिन नॉन टैक्सेबल है. बिजनेस है नॉन टैक्सेबल, यानी कि एग्रीकल्चर की बात करेगा यहां पे. ये सीधे लिख दें एग्रीकल्चर क्या, राइट? तो इसको मैंने एग्जांपल इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया है. हम लोग एक नया इलस्ट्रेशन लिखेंगे उससे समझते हैं, ताकि जो बुक में इलस्ट्रेशन है उसे आप प्रैक्टिस कर सकें. तो चलिए देखिए, एसेट पार्टली, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, यूज्ड फॉर बिजनेस. इसमें दो केसेस हम करेंगे, एक केस करेंगे पार्टली बिजनेस एंड पार्टली पर्सनल है. फिर पार्टली तो बिजनेस क्लियर ही है कि पार्टली यूज फॉर बिजनेस, लेकिन पार्टली बिजनेस के साथ पार्टली पर्सनल है. और दूसरा केस करेंगे हम जिसमें हम बात करेंगे कि पार्टली बिजनेस है एंड पार्टली एग्रीकल्चर है, मतलब पार्टली बिजनेस में ही यूज हो रहा है पार्टली, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है विच इज नॉन टैक्सेबल. अब बिजनेस हम यूज कितना मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि बिजनेस में यूज हो रहा है 60% और पर्सनल हो रहा है 40%. सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम लेंगे तो 60% मानेंगे बिजनेस का यूज और एग्रीकल्चर का यूज 40% मानेंगे. एक एसेट 60% बिजनेस में यूज हो रही है. अब ये दोनों अलग अलग केस हो गए, ठीक है. अब ये दोनों सेपरेट अलग अलग डिफरेंट केसेस हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं हम ये, ठीक है. ये हो गया हमारा केस ए और ये हो गया केस बी, ठीक है.
ओपनिंग डब्ल्यू डी वी जो है वो है 4 लाख रुपया मान लीजिए, ठीक है। ये है प्लांट एंड मशीनरी 15% वाला ब्लॉक, ओपनिंग डब्ल्यू डी वी कितना 4 लाख रुपया, तो इसमें से डेप्रिशिएशन हमको मिलेगा 15%। कितना हो जाएगा 15% डेप्रिशिएशन इसका? 60,000 रुपया। तो क्या हमको 60,000 रुपया का डेप्रिशिएशन मिलेगा, बात ये आ रही है? नहीं, हमको 60,000 रुपये का डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, 60,000 रुपये का 60% मिलेगा हमको, हमें 36,000 रुपये का ही डेप्रिशिएशन मिलेगा। 15% डेप्रिशिएशन, 60,000 रुपये का 60% मिलेगा 36,000 रुपया, ठीक है। डेप्रिशिएशन दो जगह से कटता है, एक तो डब्ल्यूडीवी से कटेगा, दूसरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन से कटेगा डेप्रिशिएशन, राइट। अब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन मेरा मान लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन कितना है 2.5 लाख रुपया है, ठीक है। तो यहां से भी डेप्रिशिएशन मुझे कितना मिलेगा, एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा जितना आपने ऊपर चार्ज किया है। ये बात क्लियर हो गई कि अगर पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल एसेट यूज होती है तो जितना बिजनेस में यूज हो रही है डेप्रिशिएशन का उतना ही परसेंटेज मिलेगा। कहां से? तो मैंने बताया भाई दोनों ही जगह से, दो जगह से आप डेप्रिशिएशन घटाते हो, डब्ल्यूडीबी से घटाते हो सो एज टू कैलकुलेट डब्ल्यूडीबी ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और आप प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन से डेप्रिशिएशन घटाते हो सो एज टू कैलकुलेट पीजीबीपी। सो इन बोथ द प्लेसेस हाउ मच आर यू गोइंग टू डिडक्ट डेप्रिशिएशन? 36,000 रुपीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस बी। केस बी में क्या होने वाला है? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कितनी है? 4 लाख रुपया। हमने सेम एग्जांपल ले रहे हैं, डेप्रिशिएशन आपको कितना मिलेगा 15% के रेट से, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन कितना है 2.5 लाख रुपया, यहां से डेप्रिशिएशन कितना मिलेगा। अब मैंने क्या किया, उस एसेट का पार्टली यूज बिजनेस में किया है, पार्टली एग्रीकल्चर में किया है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, एग्रीकल्चरल इनकम मान लीजिए एक ट्रैक्टर है, हम अपने नॉर्मल बिजनेस में भी यूज कर रहे हैं, खेती में भी यूज कर रहे हैं, खेती में 40% ट्रैक्टर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वो ट्रैक्टर की डब्ल्यूडीबी कितनी चल रही है 4 लाख रुपया, हम उसमें से डेप्रिशिएशन कितना घटा पाएंगे, हम उसमें से डेप्रिशिएशन कितना घटा पाएंगे, तो आपको डेप्रिशिएशन मिलेगा पूरा 60,000 रुपया, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन, इसमें से डेप्रिशिएशन कितना मिलेगा, इसमें से डेप्रिशिएशन मिलेगा मात्र 36,000 रुपया, 60,000 रुपये का 60% ही, यहां से 60%। अब आपको यहां पे थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर यहां केस ए वाली बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, 60% डेप्रिशिएशन मुझे मिल रहा है, तो डब्ल्यूडीबी से भी वही घट रहा है, प्रॉफिट से भी वही घट रहा है, लेकिन जब हम केस बी में बात कर रहे हैं तो डेप्रिशिएशन डब्ल्यूडीबी से कुछ और घट रहा है, प्रॉफिट से कुछ और घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है कि आपको अलग अलग घटाने को मिल रही है, 60,000 यहां डब्ल्यूडीबी से भी घट रहा है और यहां पे भी प्रॉफिट से भी 60,000 घट रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, ध्यान से समझिए। अगर ये बिजनेस में ही प्रयोग है कि नहीं है, यहां पे दोनों ही, चाहे ये बिजनेस टैक्सेबल है, पार्टली बिजनेस जिसको कह रहे हो, पार्टली एग्रीकल्चर, ये भी एक बिजनेस है विच इज नॉन टैक्सेबल, राइट, आई एम यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, इज माई एसेट बींग यूज इन बोथ द केसेस, इन बोथ द बिजनेसेस, यस माई एसेट इज बींग यूज इन बोथ द बिजनेसेस, क्या मुझे डेप्रिशिएशन 60,000 मिलना चाहिए? आंसर ये है, 60,000 मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, डेप्रिशिएशन यहां पे डब्ल्यूडीबी से 37,000 मिला, यहां 60,000 मिला, तो फायदे वाली बात कौन सी है, फायदे वाली बात कौन सी है, यहां से 36,000 मिला, यहां से 60,000 मिला, तो फायदा किस केस में ज्यादा हो रहा है आपको? सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यूडीबी से जो घटाने को मिला, सिर्फ एक बात को कंसिडर कीजिए, केस ए में डब्ल्यूडीबी से 36,000 घटाने को मिला, केस बी में 60,000 घटाने को मिला, कौन से केस में ज्यादा फायदा हो रहा है? ठीक है, ओनली डब्ल्यूडीबी वाली बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, कि डब्ल्यूडीबी से 36,000 वहां घटाने को मिला, यहां 60,000 रुपए, कौन से केस में फायदा हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें, कौन से केस में ज्यादा फायदा हो रहा है? चलिए मैं आंसर बताता हूं, आपको फायदा हो रहा है केस ए में, ठीक है, डब्ल्यूडीबी से जितना कम घटाया जाएगा उतना फायदा होता है, ज्यादा घटा रहा फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, जितना ज्यादा डब्ल्यूडीबी से घटाने को आपको मिलेगा डेप्रिशिएशन, उतना अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कम आएगी,
ठीक है, और अगले साल उतना डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, जितना कम WDV, भाई मेरी WDV कम डेप्रिसिएशन यहां घटाएंगे तो WDV ज्यादा रहेगी ना। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां से कितना घटाया जाएगा उसकी बात ही नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था WDV से कम घटाना फायदेमंद है कि ज्यादा घटाना फायदेमंद है, तो WDV से कम घटाना फायदेमंद है, राइट। यहां पे 36,000 घट रहा है, ये अच्छी बात है, यहां पे 60,000 रुपया घट रहा है, तो क्या सरकार नुकसान दे रही है क्या हमको एग्रीकल्चर में, क्योंकि फायदा तो यही है जितना कम घटेगा उतना फायदा है। नहीं, सरकार आपका नुकसान नहीं करा रही है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट आपको 60,000 रुपया जितना आपको WDV से घटा रही है उतना ही डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से भी क्लेम करने को दे रही है। 36,000 रुपया आप यहां से क्लेम कर रहे हो जो बिजनेस है, क्या बैलेंस डेप्रिसिएशन 40% 24,000 रुपया एग्रीकल्चर से भी आप घटा रहे होगे कि नहीं? घटा रहे हो। आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि कितना भी घटा लो, घटा बटा के जो भी आएगा फाइनली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन सरकार तो आपको कही रही है ना एग्रीकल्चर इनकम भी जो आएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर इनकम जितनी भी आएगी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो आपको डेप्रिसिएशन घटाने मिले ना मिले, जितना मिले आपको फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन सरकार तो आपको दे रही है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी बिजनेस है, तो सरकार आपको 60,000 रुपए यहां पे घटाने को दे रही है WDV से, क्योंकि ये एसेट ज्वाइंटली यूज हो रहा है, और बचा अब ये एसेट का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से घटाने दे रही है। हाँ, 36,000 रुपए बिजनेस के प्रॉफिट से घटाने दे रही है, 24,000 एग्रीकल्चर के बिजनेस से घटाने दे रही है। यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि पार्टली पर्सनल यूज था, तो कोई इनकम है ही नहीं यहां पे। तो 36,000 रुपए हमको WDV से मिला, और 36,000 कहां से मिला? बिजनेस से भी मिला। यहां पे 60,000 रुपए WDV से मिल रहा है और 60,000 बिजनेस से भी मिल रहा है। कैसे? 36,000 रुपए मिल रहा है आपको टैक्सेबल बिजनेस से, और बैलेंस 24,000 मिल रहा है आपको एग्रीकल्चर बिजनेस से। लेकिन एग्रीकल्चर बिजनेस की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो वो पार्ट तो आपको दिख नहीं रहा है, वो तो गायब हो गया है सीन से, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर पार्टली फॉर एग्रीकल्चर एंड पार्टली फॉर बिजनेस, WDV से पूरा डिप्रिसिएशन घटाना है, बट जो नॉर्मल बिजनेस की इनकम आ रही होगी उससे सिर्फ उतना पोर्शन डिप्रिसिएशन का घटाना है जो टैक्सेबल बिजनेस में यूज हो रहा है। याद रहेगा आपको ये एग्जाम्पल, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, लॉ पूरा का पूरा आपको तैयार हो गया, सिर्फ एक ही डिफरेंस हो रहा है यहां पे, बाकी सारा का सारा एक जैसा है। बस ये याद रखिए कि पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली बिजनेस वाले केस में WDV से हम पूरा डेप्रिसिएशन घटाते हैं, और बैलेंस कोई भी केस होगा, कुछ भी होगा, हम उतना ही डेप्रिसिएशन घटाएंगे जितना प्रोपोर्शनेटली हम टैक्सेबल बिजनेस में यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सुंदर सा कॉन्सेप्ट था, और इस एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन ढंग से आपने समझ लिया होगा। उसके बाद मैंने दो इलस्ट्रेशन दिए हैं, एक बिजनेस और पर्सनल के लिए, और दूसरा इलस्ट्रेशन दिया है मैंने पार्टली बिजनेस और पार्टली एग्रीकल्चर के लिए। नाउ इन दोनों इलस्ट्रेशन को आप खुद से देख लीजिएगा। मैंने ये इलस्ट्रेशन क्यों बनाया? ताकि दोनों में फिगर सेम थी तो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस पता चली। अगर ये मैं फिगर चेंज कर देता तो शायद ये कंपैरिजन उतना बेहतर आपको समझ में नहीं आता, और मैंने इसीलिए पैरेलली दोनों को प्रेजेंट भी किया। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन, मैंने इन दोनों को पैरेलली आपको समझाया ताकि डिफरेंस एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, छोटी क्लास थी लेकिन एक कॉन्सेप्ट को आपने बेहतरीन ढंग से समझ लिया।